ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਦਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆ ਆਪਣੇ ਭੋਲੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਪਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਵਾਲੀ ਬਹੂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ ਛੜਿਆ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿੰਦ ਮਾਹੀ ਛੜਿਆ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਾਈ ਬਚੇਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦੀ कबीलों का लश्कर लेकर आपके पास हाजिर है। मसला क्या है? मसला नहीं, आफत है, आफत गुल बादशाह। ये फिरंगी सिखों की मदद से हमारा सारा मुल्क पर कब्जा करना चाहता है, पर हम फिरंगियों की ये ख्वाहिश पूरा नहीं होने देगा। पर उसके लिए इतना लो लश्कर इकट्ठा करने का क्या जरूरत? कोई फिरंगी का दिमाग बड़ा शातिर है, दिमागी ताकत से ही वो आधी दुनिया पर राज करती है। हम दिमागी तौर पर इनको मात नहीं दे सकते, मात दे सकते हैं सिर्फ ताकत से। हम अगर एक मुश्त होकर इन पर धावा बोलेगी तो इनको नेस्तो नाबूद कर सकती है। आमीन। इंशाल्लाह इस जिहाद की शुरुआत सारागढ़ी से करेगा। लेकिन सारागढ़ी से क्यों? फिरंगियों की फौज के दो मजबूत बुनियाद है, किला लोकहाट और किला गुलिस्तान।
पर दोनों किलों में राबता कायम करता है सारा गढ़ी। जब राबता खत्म हो जाएगा तो दोनों किलों को आसानी से सर किया जा सकता है। आमीन। अजखन तुम किला लोखट और मुला सैयद अकबर तुम किला गुलिस्तान को अपना अपना लश्कर लेकर घेर लो। मैं और खान मंसूर 10,000 अफरीदी लश्कर लेकर सारा गढ़ी पर हमला करेगा। एक बात का ख्याल रखना, इन दोनों किलों से कोई भी काफिर इमदाद के लिए सारा गढ़ी के नजदीक भी नहीं पहुंचना चाहिए। नारा तदबीर अल्लाह अकबर। 12 सितंबर वाले दिन पश्तूना दियां साजिशां तों बेखबर सारा गढ़ी विच सवेर दी रोजमर्रा रूटीन तो बाद 36 दे फौजी बंदूकां साफ करदे आपस विच पिछे छड्डे करवार दियां यादां परोल रहे सन। लगदा मेरे भागां च मुकलावा ही नहीं लिखिया होया। ओ भागिया तेरी छुट्टी की रद्द हो गई, तू भागां नूं कोसण लग पिया। ओ नाले जिहड़ा काम जदों होना हुंदा ना ओदा ही हुंदा। ओ वक्त तो पहला तो मौत भी नहीं आउंदी। ओए ओ कुछ नहीं हुंदा तैनूं। मेरी बेबे दा तां दिल टुट गया होगा जदों उसनूं पता लगा हो कि मैं छुट्टी नहीं आ रहा। ओ मां नूं पहला तां नूंह दा बड़ा चाह हुंदा मगर ओ भावे उस नाल रोज सियापा करदी फिरे। भरावा ए पश्तूना दा पंगा कदों मुकूगा? ओ फौजियां नूं तां नित नवीं मुहिम हुंदी आ, अज पश्तूना नाल कल नूं किसे होर नाल हो। ओए ओ तां ठीक है पूरिया, तेरी उम्र 30 तों पार हो चुकी है, पर आए दस वी तूं व्याह क्यों नहीं करवाया? फिर ओही गल, नहीं करवाया तूं की लेना। ओए अज तो तैनूं पूरा नहीं छड़ा गया करांगे। क्यों भाग गया? तू कड़ा दशरथ वांगू 3-3 ब्याह कराई बैठा। ओ मेरी तां अजे उम्र ही मलूक है। भाई छोटे हुंदे ना असीं खूह ते पक्की सैंची खेलदे हुंदे सी। अच्छा भाई मैनू तां पील पलंगड़ा बहुत पसंद सी, सारा दिन दरख्तां ते खेलदे रहना। भाई एक दिन जद असीं पक्की सैंची खेल रहे सी ना काले ने मेरे तो हथण मारिया ते मैं जान बुझ के डिग पिया। अचानक उथे बापू आ बोलिया, पहला तो उसने मेरे थप्पड़ मारिया फिर अखां भर के मैनू जफ्फी पा लई ते कहिंदा खबरदार जे अगे तो मरन दा ढोंग भी कीता। ओए मौत तां है ही नहीं चंद्री, किहड़ा प्यो अपने पुत दी मौत देख सकदा। अच्छा तुसी किन्ने भाई हो? भाई मैं तां कल्ला ही हां भाई। ओए बूटिया सही लिखिया किसे ने, कल्ली होवे ना वणा दे विच लकड़ी कल्ला ना होवे पुत जट दा। ते जट फौज च भर्ती हो के भी हमेशा मौत नूं मखौला ही करदा है। ओ तेरी गल तां ठीक है, मैं तैनूं गुरु जी दा इक कमाल दसदा। खंडे बाटे दे अमृत च गुरु जी ने पता नहीं की घोल के पाया सी जिस नूं पी के मौत दा पै उक्का ही चुकिया जांदा। ओ आंदे ने जदों 10वें पातशाह 5 सिंघां नूं अमृत छका चुके ते उन्हां सिंघां तों आप भी छक चुके तां बाटे विच अजे भी अमृत दियां काफी बूंदा बाकी रह गईयां सन। उन्हां नूं 2 चिड़ियां ने छक लिया ते फिर वह उपर उड़दे बाज नूं जा पईयां। दोवां ने लड़ लड़ बाज मारता। हीरिया तू सही कह रहा है, ताही ते 36 दे सिंघां नूं भर्ती वेले अमृत छकाया जांदा। ताही तां खेड़ी आले सुंदर ते नामे ने वारदियां गोलियां च गुलिस्तान दुआले लाई अग बुझा के बहादुरी दा सिक्का जमाता। ए तां मौका मिलन दी गल है, गुलिस्तान वाले नूं मौका मिल गया, सानू मौका मिलिया नहीं। होर की, ओ सानू मौका मिलू ताही पता लगू किन्ने भी ही 100 हुंदा। ओ संतरी सीढ़ियां क्यों बजा रहा? उस्ताद जी उस्ताद जी। की गल है राम सिंह? उस्ताद जी ऐ लग रहा है जिवें कोई तूफान सारा गढ़ी वाल वधदा आ रहा है। की मतलब? तूर जो पश्तूनी लश्कर दे 5-6 झंडे नजर आ रहे ने। 5-6 झंडे? एक एक झंडे नाल तां 800 तो 1000 पश्तून हुंदे ने, इहदा मतलब 5-6 हजार का लश्कर। उस्ताद जी
उस्ताद जी मैसेज आया है, हजारा पठाना ने लॉक हार्ट नु घेर लिया। गुलिस्तान तो भी एहो मैसेज आया है। लांस लाइक चंदा सिंह जी, उस्ताद जी संतरी राम सिंह ना जाके गेट मजबूती नाल बंद कर दो। जी उस्ताद जी। उस्ताद जी पागा गोरा दुआबिया ते सोनाट ते पोला चढ़ते पासे वाली लूप होला उते हन राणा बजैर मोखा 760 खब्बे मोर्चा ते मलवई जीवन 871 परवान प्रेमपुरिया बूटा तहाड़े नाल सामने वाले मोर्चा ते ने सारा देती गुरमुख गुरमुख उस्ताद जी बुला रहे ने। जी उस्ताद जी लॉकहार्ट नु मैसेज कर सारा गड़ी घेरे में 8 to 10 हजार पश्तून हमले का खतरा क्या हुक्म। जी उस्ताद जी। थोड़ी देर विच ही हजारा पश्तूना ने दोना किलियां अते सारागढ़ी पोस्ट नू घेरा पा लिया। सारागढ़ी दी घेराबंदी तो अणजाण किला गुलिस्तां विच मेजर डेवू ते इधर किला लॉकहार्ट विच तैनात 36 सिख रेजिमेंट दे कमांडर कर्नल जॉन हॉटन ने समझिया कि पश्तून उना उपर ही हमला करन लगे हन ते उना अपने अपने किले अंदरली सारी फौज नू किलियां दी हिफाजत लई तैनात करन दा हुक्म दे दिता। सर आईटी सभी जवान पोजीशंस पर तैनात कर दिया है, किसी तरह के भी अटैक के लिए हम रेडी। सर मेजर जनरल बिक्स ने भी कल ही यहां से जाना था। गुलिस्तान को मैसेज करो, पश्तूनों ने लॉकहार्ट को घेर लिया है, कभी भी अटैक कर सकता है। बी अलर्ट। सर जी सारागढ़ी से मैसेज। सारागढ़ी घेरे में 8 to 10 हजार पश्तून हमले का खतरा, क्या हुक्म। व्हाट, सारागढ़ी को घेर लिया। सर मेरा ख्याल वो सिग्नल पोस्ट को खत्म करना चाह रहा है। वो किस लिए? ताकि गुलिस्तान से हमारा कॉन्टैक्ट टूट जाए। ओह माय गॉड, कनिंग मूव। वो दोनों पोर्ट्स का कम्युनिकेशन खत्म करना चाहता है। सारा गली इज इन डीप ट्रबल, सेंड रीइंफोर्समेंट इमीडिएटली। कर्नल पठानों ने लॉकहार्ट को घेरा।